एपिसोड का स्टार्टिंग होता है रात से, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर युता स्कूल में एक जगह में बैठकर किसी पल के बारे में सोच रहा होता है, जिस पल में इधर युता ने रिका के साथ गले लगाया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इधर युता को। इधर युता रिका के बारे में सोच रहा होता है और वो इधर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, लेकिन इधर युता ये सब सोच ही रहा होता है क्योंकि इसके बारे में दिखाया जाता है रियलिटी में, जहाँ पर युता एक कपड़े को पकड़ कर सोच रहा होता है। और इसलिए जो इधर युता का दोस्त है इसी की, वो ये सब देखकर वो सोचता है क्या युता पागल हो गया है, इसलिए वो युता को बुलाता भी है, जहाँ पर युता इधर रियलिटी में आ जाता है। और उसके बाद वो इधर इसी की को मतलब इसी के मुंह पर एक लात मार देता है और वो बोलता है ये सब भूल जाओ कि हाँ ये सब एक बहुत ज्यादा भयंकर शर्मनाक बात था। वेल जो भी हो, इसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है और मैं दिखाता हूं रिका को, जहाँ पर रिका भी इसके बारे में सोच रही थी, मतलब उस गले लगाने वाली बात के बारे में। वेल जो भी हो, इसके बारे में दिखाया जाता है। और इधर हमें दिखाया जाता है सनाई को, जहाँ पर सनाई आ रही होती है अपने क्लब के पास। वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, इधर उन लोगों का फेस्टिवल टाइम चल रहा था और फेस्टिवल था रात में, और इसलिए सब स्टूडेंट्स इधर स्कूल में हैं। वेल जो भी हो, इसके बारे में दिखाया जाता है इधर सनाई आ जाती है अपने क्लब में। वो अपने क्लब में एंटर करके देखती है, जहाँ पर रिका एक मेडिटेशन पोज में होती है, और इस पोज को देखकर इधर सनाई सोचती है शायद से रिका कोई डेमन को बुला रही है। वेल जो भी, इसके बाद सनाई रिका के साथ बात करने के लिए वो रिका को बुलाती भी है, लेकिन रिका कुछ नहीं बोलती है। और इसलिए जो सनाई सोचती है शायद से रिका बहुत ही गहरी मेडिटेशन में है, और इसलिए वो बहुत कुछ करने लग जाती है। और आखिरकार रिका रिप्लाई देती है और वो बोलती है सनाई पहले तुम नीचे बैठ जाओ, और उसके बाद सनाई नीचे बैठ जाती है और रिका को गले लगा लेती है, जहाँ पर सनाई सोचती है शायद से रिका मुझे पसंद करती है। और इसलिए इधर सनाई बोलती है मैं जानती हूँ शायद से आप मुझे पसंद करती हो, लेकिन ये अच्छा बात नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आपकी सर्वेंट हूँ, लेकिन हमारे लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। वैसे मुझे पता है ये सब रिलेशनशिप रखना एक रोमांचक बात है, लेकिन अच्छा नहीं है। वेल जो भी, इसके बाद इधर रिका है वो सनाई की बातें सुनकर वो इधर खड़ी हो जाती है और थोड़ा दूर चली जाती है, जहाँ पर सनाई बोलती है रिका मास्टर आपको क्या हो गया है, जहाँ पर इधर रिका बोलती है मैंने युता से गले लगाया, तुम्हें नहीं मैं युता को प्यार करती हूँ। जहाँ पर ये बात सुनकर इधर सनाई को विश्वास ही नहीं होता है, और वो बोलती है आप रिका नहीं हो सकती, आप मास्टर नहीं हो सकती, पहले मोरी समर और उसके बाद आप भी नकली निकली, तो आप कौन है मुझे बताइए। जहाँ पर रिका अपने जो आँख है वो इधर दिखा देती है, यानी अपने अंधेरी आँख, अब वो बोलती है मैं असली हूँ। पर सनाई को अभी भी बिलीव नहीं होता है, और इसलिए वो इधर सनाई बोलती है शायद से आपको कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है और उसको मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो इधर रिका है वो इधर बोलती है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं बस युता को बहुत ही ज्यादा ही प्यार करती हूँ। जहाँ पर जो इधर सनाई है वो इधर बिलीव कर भी लेती है क्योंकि अब तक कोई रास्ता नहीं था। वह जो भी इधर, और इसलिए इधर सनाई बोलती है आप अपने प्यार को जरूर हासिल कर पाएगी, और साथ ही साथ युता भी आपसे प्यार करता है मैं जानती हूँ। वेल जो भी हो, इधर सिंसियर उदाहरण में दिखाया जाता है जो इधर युता है वो भी अपने दोस्त को यानी इसिकी को यही बता रहा होता है। यहाँ पर दोनों ही तरफ सेम बात हो रहा था, और हाँ दोनों ही तरफ प्यार के बारे में बात हो रहा था। वेल जो भी हो, जो इधर इसिकी है वो इधर युता के पास आ जाता है, जहाँ पर वो अपना जो हेड है यानी सर है वो युता के कंधे में डाल देता है, जैसे कि हाँ जेब वगैरह करते हैं ना वो इधर कर देते हैं, और इसलिए जो इधर युता है वो इधर डायरेक्टली इसिकी को मार देता है। इसलिए इधर इसिकी को थोड़ा गुस्सा आता है। वेल जो भी हो, इधर इसिकी बोलता है तुम्हारा तो बात बहुत ही अच्छा है क्योंकि तुम प्यार करती हो रिका, रिका हमारे लिस्ट पर मतलब मेरे लिस्ट पर क्यूटी नंबर 4 पे आती है, और वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की है, तो इसलिए तुम्हारा तो मौज हो गया। और वैसे भी तुमने रिका के साथ एक दिन बिताया था जिसके बारे में हम लोग कभी नहीं भूल सकते। जहाँ पर इधर युता सोचता है रिका के बारे में और एक दिन के बारे में, जहाँ पर उसे कुछ ख्याल आ जाते हैं, जैसे कि वो एक बिस्तर के मतलब एक बिस्तर में बैठा होता है रिका के साथ, जहाँ पर रिका बोलती है युता से माफ कर देना लेकिन मेरे पास शारीरिक संबंध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और इसलिए मुझे माफ कर देना। जहाँ पर इधर युता बोलता है शारीरिक संबंध तो ठीक है अभी कर लेते हैं, जहाँ पर ये सब इधर युता सोचता है, और उसके बाद वो इधर फिर से रियलिटी में आ जाता है और वो इसी को मारने लगता है, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली इसी की नहीं ये सब आइडिया इधर युता को दिया था। जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर इसी की है वो इधर से चला जाता है, और वो जाके डायरेक्टली जाते तिसुरी के पास। यहाँ पर वो तिसुरी के पास आके बोलता है क्या आप मेरे साथ बॉनफायर में चलोगे, जहाँ पर इधर तिसुरी बोलती है हाँ जरूर। और इसके बाद हमें बताया जाता है जो इधर इसी की ने बोला था वो इधर रियलिटी में बोला था, लेकिन जो निबुतानी है वो इस बात को डायरेक्टली जाते ड्रामा की तरफ, जहाँ पर वो बोलते कत, और जो इधर इसी की है वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसने बहुत हिम्मत करके ये बात बोला था। इसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है सनाई को, जहाँ पर सनाई बहुत ज्यादा गुस्से में होती है, वो बोलती है तो चलो मैं तुमसे लड़ूंगी निबुतानी यानी अगली मोरी समर, जहाँ पर मोरी समर बोलती है तो जाओ ना मेरे साथ क्या लड़ने के लिए आती हो बार बार।
तुम अपने मास्टर के पास रहो, जहाँ पर इधर सनाई बोलती है नहीं मेरे मास्टर को जो डार्कप्ले मास्टर है यानी युता उस जगह में आया था और वो बोला था रिका के साथ उसके कुछ बात करने हैं और इसलिए वो युता और इसलिए वो रिका को ले गया अकेले और इसलिए मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगी और मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। और उसके बाद जब सनाई निबुतानी के ऊपर बहुत जोरदार अटैक कर देती है, निबुतानी को थोक देती है। वेल इधर सीन सिर्फ हमें दिखाया जाता है एक अकेली सी जगह पर जहाँ पर युता और रिका एक साथ दोनों बैठे होते हैं पास ही और इधर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं बहुत सारे। वेल जो भी इधर वो दोनों बातें करते एक पत्थर के भी बारे में जहाँ पर रिका के पास एक गोल्डन पत्थर होता है जिसको इधर रिका मैजिकल पत्थर कहती है और इधर युता उस मैजिकल पत्थर के बारे में कुछ बोलता है जहाँ पर रिका को ये सब शायद पसंद नहीं आता है और इसलिए वो अपना जो छतरी है वो निकाल लेती है। इसलिए जो इधर रिका के पास वो पत्थर होता है वो इधर दूर गिर जाता है इसी चल के बीच में और इसलिए जो इधर युता है वो उस पत्थर को लेने के लिए उधर चला जाता है जहाँ पर वो उस पत्थर को उठा के बोलता है रिका तुमने ये गिरा दिया। और उसके बाद वो उस पत्थर को देखने लगता है जब पर ये पत्थर उससे थोड़ा गर्म मिलता है और इसलिए वो बोलता है ये पत्थर इतना ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है। और युता उस पत्थर को देखने लगता है जहाँ पर मैं दिखा सकते जो रिका है वो इधर स्लाइड अटैक करती है मतलब वो हाँ जो स्लाइड से अटैक करती है ना नीचे पैर में वो इधर वो अटैक करती है और इसलिए इधर युता गिर जाता है। साथ ही साथ इधर रिका के पास जो छतरी है वो भी इधर युता और रिका के सर के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर दोनों ही जमीन पर लेते होते हैं और इधर वो दोनों ही एक दोनों को मतलब हाँ एक दूसरे को देख रहे होते हैं क्योंकि यहाँ देखने में एक बहुत ही भयंकर रोमांटिक सीन है। वह जो भी इसके बाद ही उन लोगों को पता चल जाता है बारिश आने वाला है क्योंकि उन लोगों के ऊपर बारिश की बूंदें गिरती है और इसलिए इधर वो दोनों चले जाते हैं रेस्टोरेंट में। ऐसे इधर मैं तुम लोग को बता देता हूँ इधर युता के पास कोई छतरी नहीं था तो इसलिए उन लोगों को वेटिंग करना पड़ेगा जब तक बारिश खत्म नहीं हो जाता। जो भी जो इधर रिका है वो इधर शर्माती हुई युता को बोलती है मुझे तुमसे कुछ स्पेशल बात करनी है। जहाँ पर युता बोलता है तो कहो, जहाँ पर रिका बोलती है ये बात बहुत ही ज्यादा ही स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा ही अनमोल है। और इधर युता भी बोलता है हाँ मुझे भी तुमसे कहना है लेकिन इस जगह पर नहीं क्योंकि इस जगह पे बहुत सारे पीपल बात कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत ही हंगामा है इस जगह में तो इसलिए इस जगह में नहीं। और उसके बारे में दिखाया जा रहा है इधर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था साइड से और इसलिए युता और रिका एक ही छतरी के नीचे एक साथ वो दोनों आ रहे होते हैं फुटपाथ से। तुम लोग उसको क्या बोलते हो जो हाँ क्या ही बोलते हो मुझे पता नहीं लेकिन फुटपाथ से आ रहे होते हैं एक ही छतरी के नीचे। यहाँ पर मैं दिखा सकता है जो इधर युता है वो इधर सोचता है मैं इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता तो इसलिए वो बोलता है हे रिका। इसी बीच एक हवा का झोंका आता है जहाँ पर रिका का वो जो छतरी होता है वो इधर नीचे गिर जाता है और इसलिए इधर रिका प्रॉब्लम में आ चुकी थी और इसलिए इधर रिका उधर से चली जाती है बहुत। और इधर युता कुछ बताता ही है जहाँ पर रिका बहुत ज्यादा शौक थी और इसलिए इधर युता बोलता है क्या तुमने क्या देख लिया। जहाँ पर इधर रिका बहुत सारे लाइट्स को देखती है जहाँ पर इधर सोचती है रिका मतलब इधर रिका के लिए वो लाइट्स बहुत ज्यादा स्पेशल थे क्योंकि वो सोचती है उधर रिका का फादर है। वेल जो भी हो इधर रिका बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर युता है वो इधर सोचता है उसे बता देना चाहिए जहाँ पर इधर युता बोलता है रिका लेकिन इसी बीच रिका बोलती है मुझे युता से प्यार है और उसके बाद युता बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वैसे हाँ इधर युता को पता ही था। वह जो भी इसके बाद रिका अपने छतरी है वो अपने आगे ला देती है और उसके बाद वो इधर फिर से बोलती है मुझे युता से प्यार है क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बोल पाती मतलब आंखों में आंखें डालकर बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वह जो भी हो इधर युता बोलता है लेकिन मुझे पहले कहना था लेकिन इधर रिका बोलती है तैतानी आंख हमेशा पहले वही तय है। और इसके बाद इधर युता बोलता है लेकिन मैं हूँ डार्कप्ले मास्टर और उसके बाद इधर दोनों ही समझौता कर लेते हैं। जो इधर युता है वो इधर बोलता है मुझे भी तुमसे कुछ बातें कहनी थी जो कि मैंने बहुत सारी लाइन इसके लिए बनाई थी लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं मिला लेकिन अब मुझे मौका मिल गया है। जहाँ पर युता अपने स्टाइल से मतलब अपने डार्क फ्लेम मास्टर स्टाइल से बोल रहा होता है लेकिन उसके बाद ही उसे शर्म आ जाता है और वो बोलता है छोड़ो इसे इसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ पर दिखा जो इधर रिका है वो इधर बोलती है नहीं तुम करो क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ पर जो इधर युता है वो इधर सोचता है उसे अब कर ही लेना चाहिए और उसके बाद वो बोलता है तुम्हारा हाथ मुझे चाहिए और उसके बाद वो इधर अपना वो स्टाइल दे देता है और उसके बाद इधर वो दोनों ही वादा करते हैं अपनी कुत्ती वाली उंगली से। वेल जो भी हो इधर वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसके बाद इधर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। जहाँ पर युता अपने घर आता है वो ही कुत्ती वाली उंगली देखकर और इधर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है लेकिन वो घर में आकर ही देखता है इधर टोका यानी पुचारिन पहले से ही बैठी होती है और युता के हाँ सिस्टर के साथ खेल रही होती है। और इधर टोका युता को देखकर वो बोलती है युता मुझे तुमसे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मतलब इधर युता ताल नहीं पाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट में जहाँ पर
तो का युता को इधर ले आई थी। वेल जो भी इसके बाहर इधर वो दोनों बातें करने लग जाते चापर, तो का अपने रीजन बताती है, मतलब अपनी इंपॉर्टेंट बात बताती है। जहाँ पर हमें पता चलता है जो इधर तोका है वो इधर जल्द ही जाने वाली इटाली में, मतलब इटाली से तोका के लिए एक इन्विटेशन आया है एक ट्रेनिंग के लिए, एक रेस्टोरेंट की ट्रेनिंग के लिए। और इधर तोका जा भी नहीं सकती है, लेकिन तोका इसे ना भी नहीं कर पाएगी क्योंकि तोका के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ये सब सुनकर जो इधर युता है वो इधर बोलता है, तो इसमें क्या है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात? जहाँ पर तोका बोलती है, हाँ इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि मैं रीका को अकेले नहीं रख सकती, मतलब अकेले रहने नहीं दे सकती, तो इसलिए मैं चाहती हूँ रीका अपने मॉम के साथ रहे। जहाँ पर युता बोलता है, रुको तुमने मॉम बोला, लेकिन रीका ने, मतलब मैं जितना जानता हूँ रीका के बारे में उससे मुझे पता चला है रीका शायद से अपने मॉम को नहीं चाहती है, वो अपने मॉम से नफरत करती है ना। जहाँ पर तोका बोलते हैं, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन जो इधर रीका की मॉम है यानी मेरी मदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो रीका के साथ बात करने की भी बहुत ही सारी कोशिश की थी, लेकिन रीका मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात में अड़ी हुई है, मतलब वो सिर्फ यही जीत में है क्योंकि रीका की मॉम ने रीका को अपने फादर की डेथ के बारे में नहीं बताया था, तो इसलिए वो अभी भी गुस्सा है और अपने मॉम से नफरत करती है। लेकिन मैं चाहती हूँ युता तुम रीका को समझाओगे, मतलब रीका को समझाओ क्योंकि एक ऐसा ही तुम ही पर्सन हो जो कि रीका को समझा सकता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ तुम रीका को समझाओ। जहाँ पर इधर युता बोलता है, बात तो सही है क्योंकि हाँ शायद से मैं ही समझा सकता हूँ, और वैसे भी तो इधर रीका है वो जानती है उसके फादर जो है वो अब उसे शायद से नहीं मिलने वाले, या फिर हाँ हो सकता है इन सारी प्रॉब्लम के बारे में इधर रीका को पता है। लेकिन मैं जानता हूँ जो इधर रीका है वो इन सब के बारे में जानती है, जैसे कि उसकी मदर उसे बहुत ज़्यादा चाहती है और शायद हो सकता है कि इसीलिए ही वो उस एट ग्रेडर सिंड्रोम इफेक्टेड है और साथ ही साथ वो ये सब करके ही अपना जो दिल है वो बहला लेती है। तो हमें अब यही करना होगा, अब रीका को समझाना होगा इस एट ग्रेडर सिंड्रोम से, मतलब इसकी सहायता से, और शायद से तभी वो मान पाएगी। जहाँ पर जो इधर तोका है वो बोलती है, लेकिन ये सब तो अच्छा नहीं होगा क्योंकि तुम एक बात सोचो, जो रीका है उसको तो एक बार पता तो चलने ही वाला है ये सब नकली है, वो अपने पापा से कभी नहीं मिल पाएगी, जो वो सोचती है जो वो आसमानी सीमा है वो ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब पागल वाली बातें हैं। तो इन सब के बारे में अगर ऐसे बोल दिया जाए यानी ऐसे बढ़ावा दे दिया जाए तो ये रीका के लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर युता ये बात को अच्छे से सुनता है। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है उसके अगले वाले दिन फेस्टिवल के टाइम पर। वैसे हाँ गाइस ये फेस्टिवल सुबह भी हो रहा है, तो हो सकता है कि उस टाइम पर उन लोगों का परफॉर्मेंस चल रहा होगा। वेल जो भी इधर में दिखाया जाता है इधर फेस्टिवल जो होता है वो इधर बहुत ही धूमधाम इससे चल रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर अपने परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, और इधर हमें दिखाया जाता है उस नाइट मैजिक क्लब में भी, और इधर हमें दिखाया जाता है युता के दोस्तों को भी, जहाँ पर वो लोग तो ऐसे कुछ कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फनी है, मतलब हाँ तो हम लोग बोल सकते हो इसके बारे में अगर हम लोग बातें ना करें यही अच्छा होगा। वेल जो भी हो इसके बारे में डायरेक्टली दिखाया जाता है क्लब में, जहाँ पर तब अपना गेटअप पहन रहा होता है क्योंकि शायद से इधर युता लड़ाई करने वाला है एक्टिंग से। वेल जो भी हो इधर युता सोच रहा होता है उसी बातों के बारे में यानी तोका के बातों के बारे में, जहाँ पर तोका ने बोला था क्या रीका को बढ़ावा देना ये अच्छा बात होगा क्योंकि ये तो रियल नहीं होने वाला है और बात पते की भी है, तो इसलिए इधर युता ये सब सोच रहा होता है वो कैसे बोलेगा रीका को ये सब असली नहीं है, ये सब एक नकली दुनिया है तुम जो सोच रही हो। लेकिन उसी बीच इधर रीका आ जाती है, मतलब रीका भी अपने ही गेटअप में थी, और रीका के बोलती है चलो युता तुम भी अब गेटअप में हो और तुम बहुत ज़्यादा कूल हो और इसलिए अपना स्टाइल लो और बोलो चलो आगे बढ़े। जहाँ पर युता ऐसे वो पहले स्टाइल दे देता है जो कि उसमें कोई दम नहीं होता, और इसलिए रीका बोलती है इसमें कोई दम नहीं है, और इसलिए इधर युता को फिर से अपना स्टाइल देना पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा कूल तरीके से इधर युता देता है। इधर रीका भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जहाँ में दिखाया जाता है इधर युता फिर से उसी बातों के बारे में सोचता है क्या अभी उसको रीका को ये सब बातें बता लेना चाहिए। जहाँ पर तो रीका है वो इधर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, तो इसलिए इधर युता नहीं बता पाता है, और इसके बाद इधर वो दोनों अपना फोटो लेते हैं। जहाँ पर हाँ वो दोनों अलग अलग पोज करके अपना फोटो लेते हैं, और उसके बाद इधर वो दोनों अपना उंगली मिलाकर इधर से रीका चले जाती है, जहाँ पर युता बताने की कोशिश भी करता है रीका, लेकिन इधर रीका आते हैं, लेकिन इधर युता बोलता है नहीं कुछ नहीं क्योंकि वो बता ही नहीं पाता है। वेल जो भी इसके बाद रीता अपना गेटअप पहन के यानी वो रेडी होके अपने क्लब से बाहर आता है, जहाँ पर वो देखते हैं एक वुमेन इधर आती है और आके डायरेक्टली बोलती है क्या तुम्हें बताए रीका कहाँ पर मुझे मिलेगी, क्योंकि मुझे यही पता चला है कि रीका इधर ही है। जहाँ पर युता बोलता है नहीं अभी वो इधर नहीं है, जहाँ पर जो इधर वो वुमेन होती है वो बोलती है युता से क्या तुम मेरे इस चीज को रीका को दे सकते हो, क्योंकि शायद से मुझे लगता है रीका अभी भी मुझे नफरत करती है, मतलब ये रीका की मदर है।
और इधर रिका की मदर ये भी बोलती है, लगता है रिका अभी भी मुझसे नफरत करती है, शायद से अभी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती है। वेल जो भी उसके बाद सिंसियर उदय हमें दिखाया जाता है। इधर एक पेड़ के नीचे युदा अकेले बैठा होता है और वो सोच रहा होता है क्या ये सच में लापरवाही हो रहा है, ये सब रिका को ऐसे बढ़ावा देना, ये सब लापरवाही हो रहा है। जहाँ पर वो ये सब सोच रहा होता है और वो सोचते उसे क्या करना चाहिए। और इसी बीच निबुतानी और रिका आ जाती है, जहाँ पर हाँ फिर भी आती है। वेल जो भी हो, इधर लोग आए थे युता को बुलाने के लिए, क्योंकि जो इधर निबुतानी है उन लोगों के स्टॉल पर बहुत से दर्शक आ गए थे, यानी विजिटर्स आ गए थे, और इसलिए इधर उन लोगों को युता की जरूरत थी उन लोगों का नाटक दिखाने के लिए। और इसलिए निबुतानी बोलती है युता चलो अब इधर से आओ, क्योंकि अकेले तुम इधर क्या कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा काम है तो क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। जहाँ पर इधर युता डायरेक्टली रिका से बोलता है रिका तुम ना आईपैड उतारो, जहाँ पर यह बात एक बहुत ज्यादा भयंकर बात था हाँ रिका के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा बात था जैसे कि इधर युता ने डायरेक्टली कह दिया हो रिका को ये सब तुम छोड़ दो, और इसलिए ये बहुत ज्यादा भयंकर बात था। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर युता अकेले उन सारे परफॉर्मेंस को देख रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर एक शो होता है जो कि बहुत ही ज्यादा ही ऊपर लेवल का था, और युता दूर से ये सब देख रहा होता है। मतलब युता ने उधर ही ये सब छोड़ दिया, मतलब वो डायरेक्टली अपने स्कूल की यूनिफॉर्म में आ गया। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर निबुतानी भी आ जाती है, युता का जो ड्रेस था वो गेटअप था वो पहनते हुए, जहाँ पर हमें पता चलता है जो इधर युता की जगह में इधर निबुतानी, और इसीलिए हमें पता चल जाता है इधर युता की जगह निबुतानी ने परफॉर्म किया था। जो भी इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर जो निबुतानी है वो बोलती है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम उस वक्त पर कैसे बातें कह दी। जहाँ पर युता भी सोचता है उस पल के बारे में जहाँ पर हमें बताया जाता है इधर युता ने जब उस बात को बोला था, तब रिका को बहुत ही ज्यादा ही हर्ट हुआ था, जहाँ पर रिका बहुत ही ज्यादा ही हर्ट हो गई थी उस टाइम पर। इसलिए इधर युता नाराज भी है, साथ साथ वो इधर अपसेट भी है, लेकिन वो क्या कर सकता है क्योंकि उस टाइम पर उसे ये सब लापरवाही लगा तो इसलिए वो कह डाला। और उसके बाद युता ये भी बोलता है मुझे वो जो टिफिन बॉक्स था ना वो भी बहुत ज्यादा भारी लगा, मैं जानता हूँ उसके अंदर खाना है, लेकिन मुझे ऐसा लगा उसके अंदर कुछ और हो। जहाँ पर निबुतानी ने बोल दिया क्या कुछ और था, जहाँ पर युता बोलता है हाँ उसमें था सच्चाई जो कि मुझे उसका अनुभव हो गया है तो इसलिए मैं कह डाला। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रिका को, जहाँ रिका भी अकेले बैठकर अपना जो टिफिन है वो देख रही होती है, मतलब शायद से रिका भी उस परफॉर्मेंस से दूर हो गई है। वह जो भी इधर में दिखाया जाता है उन लोगों क्लब से इधर जो इसी की है वो परफॉर्म करने चला जाता है, जहाँ पर वो स्टेज में आके जो इधर तिसूरी है उसको प्रपोज करने लग जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो इधर तिसूरी है वो इधर भी सोई हुई होती है, मतलब उस स्टेज के पास ही एक जगह में वो सोई हुई होती है, और वो डायरेक्टली बोलती है नहीं तो क्या ये परफॉर्मेंस देखकर तुम लोग भी हंस उठोगे, क्योंकि भाई कैसा ये क्या था ये। वेल जो इधर निबुतानी है और इधर निबुतानी बोलती है युता से युता रिका कहाँ है, जहाँ पर इधर युता बोलता है मुझे पता नहीं लेकिन हाँ मैं देखने के लिए जा रहा हूँ, और इधर से युता इधर से चला जाता है रिका को ढूंढने के लिए। जहाँ पर जाते जाते इधर निबुतानी बोलती है युता से युता तुमने ठीक कहा था। वेल जो भी उसके बाद हमें सुनाई देता है स्टेज में इधर कमेंटेटर बोलती है अगले का स्वागत है ताकाना से रिका। जहाँ पर ये बात सुनकर जो इधर युता है वो इधर शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो सोचता है इधर रिका क्या कर रही है। और उसके बाद वो इधर डायरेक्टली दौड़ के आता है, जब वो देखता है इधर तोका भी होती है और इधर रिका एक गाना गा रही होती है। जहाँ पर तोका बोलती है युता से ये गाना पापा को बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसलिए इधर रिका गा रही होती है। वेल जो भी इधर जो युता है उसके जो आँखें होता है वो इधर खुली की खुली रह जाता है, जहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड था। वेल जो भी ऐसे इस एपिसोड का एनिंग हो जाता है, और बाकी की सारी चीज़ें भी अनएक्सपेक्टेड होने वाले हैं यानी स्पेशल होने वाले, तो तुम लोगों को अगर देखना है तो या वेट करो इसके बाद वाले एपिसोड के लिए। तो आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एंड या आज के लिए इतना ही, बाय।